हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म करो, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? जल्दी से सारे बच्चे एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी GGS की मेंटर हूँ। ये टेलीग्राम का चैनल है, तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस की अपडेट एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लासेस की PDF भी मैं आपको सारी क्लासेस की आज की रात को सेंड कर दूंगी। जो आपका सफलता बैच है वो 22 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, तो जिस भी बच्चे के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है सारे बच्चे जल्दी से इस बैच में एनरोल कर ले, और जिसके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सभी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, ठीक है, बिना किसी देरी के, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। आइकॉनिक फीचर्स की क्या बेनिफिट है? आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी डाउट सॉल्विंग में, और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। आज का डाउट बाय अनअकैडमी, आपके जो भी डाउट है आप अनअकैडमी के ऐप पे जाकर के डाउट एंड सोल्यूशन में जाकर के अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। रेज हैंड, जिस प्रकार आप ऑफलाइन क्लासेस में अपने डाउट को डिस्कस करते हैं उसी प्रकार आप यहाँ पे भी लाइव क्लास के दौरान अपने टीचर से बात करके अपने डाउट को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, मेरा कोड यूज करके वर्षा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन आप लोग जब भी ले तो 24 या 12 महीने का ले, क्योंकि 24 और 12 महीने की जो कॉस्ट है पर मंथ कॉस्ट, वो आपको बाकी प्लान से सस्ती पड़ती है। इसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि SSC का जो प्रोसीजर है वो भी लंबा है, तो इसलिए आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको 24 या 12 महीने का ही प्लान लेना चाहिए। और जब भी प्लान लेते हैं हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप मेरा ही कोड यूज करें। और एक और चीज आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि आप जिस भी टीचर का कोड यूज करेंगे आपको उनकी ही क्लासेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे आपको उस कोर्स के सारे टीचर और सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो स्टैटिक GK GS का MCQ सभी SSC और रेलवे एग्जाम के लिए, और सारे के सारे यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो देखिए आज कितना कौन सा ही देता है आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अलाई दरवाजा इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट बाय, कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोनिका गुड इवनिंग, कामेश गुड इवनिंग, नितेश गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में किसने बनवाया? तो मोनिका का आंसर बी है, और मोनिका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है। कुतुब मीनार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा किसने बनाया, तो अलाई दरवाजा आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following is not the example of the cold wind? निम्न में से कौन सा सर्द हवाओं का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पैम्पोरो, ऑप्शन बी सिरोको, ऑप्शन सी मिस्ट्रल या ऑप्शन डी बोरा। क्वेश्चन नंबर टू, और सारे बच्चे जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। तो कामेश का सेकेंड का सी दे रहे हो कामेश, या फर्स्ट का सी दे रहे हो, ये समझ ही नहीं आया मुझे। नितेश का सेकंड का सी, करेक्ट आंसर इज बी। हर्षिल गुड इवनिंग, बी इज करेक्ट आंसर, न्यू मूवीज आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया? ऑप्शन ए फजल अली कमीशन, ऑप्शन बी SK धर कमीशन, ऑप्शन सी पंची कमीशन, या ऑप्शन डी JVP कमेटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके कामेश, तो आपसे पूछा गया है कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किसने स्वीकार किया था, तो नितेश का आंसर ए बिल्कुल सही है, फजल अली कमीशन इज करेक्ट आंसर, फजल अली होगा, ठीक है। सौमित्रा आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, मोनिका आपका भी बिल्कुल ठीक है, फिरोजा, अफरोज,
रजत सिन्हा, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट। पानी का घनत्व 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये कड़ाई से माने हैं किसमें? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड में? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रिंस का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, फजल अली कमीशन। तो फोर्थ का कामेश, नितेश, अजय, पवन कुमार रैना, गुड इवनिंग, सभी का जवाब बिल्कुल ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के निचले भाग में स्थित है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी पोटेशियम? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ का सभी का आंसर, मोनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है, मोनिका तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, गोल्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन किसके कारण होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 के कारण, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, या ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल के कारण? बताओ किसके कारण होता है? तो रवि, फिरोजा, रजत, कामेश, हर्षिल, प्रीतम मिश्रा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आंसर इज बी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच मुगल एम्परर एबॉलिश्ड द राहदारी टैक्स एंड चुंगी टैक्स, किस मुगल सम्राट ने राहदारी कर और चुंगी कर को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी अकबर? और सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, तो सेवेंथ का मोनिका ने सबसे पहले आंसर दिया, लेकिन मोनिका तुम्हारा आंसर गलत है, न्यू मूवीज का आंसर बिल्कुल ठीक है, औरंगजेब इज करेक्ट, औरंगजेब इज करेक्ट आंसर, ठीक है। राहदारी और चुंगी टैक्स को औरंगजेब ने खत्म किया था, तो हर्षिल, न्यू मूवीज, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ, विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड डैम एंड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड मोहर इन इंडिया, भारत के किस शासक ने बांध नामक तांबे के सिक्के और मोहर कहे जाने वाले सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन ई बी अलादीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, या ऑप्शन डी बाबर? तो प्रीतम मिश्रा का आंसर बी, रजत का बी, हर्षिल का ए, करेक्ट आंसर इज सी, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था, तो सी इज करेक्ट आंसर, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, बेंच टेरेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सरफेस विथ, बेंच टेरेस का निर्माण भूमि की सतह पर किसके साथ किया जाता है? मोनिका का आंसर ठीक आया है, सी बिल्कुल, प्रीतम का और डीके का। ऑप्शन ए स्टीप स्लोप, ऑप्शन बी 0% स्लोप, ऑप्शन सी ग्रासलैंड, या ऑप्शन डी माइल्ड स्लोप? क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सौमित्रा कुमार आपका भी आंसर ठीक है, फिरोजा फिरोज एंड प्रिंस आप दोनों का भी आंसर बिल्कुल सही है, जीटी रोड बिल्कुल, शेरशाह सूरी इज करेक्ट आंसर, अजय, अरविंद गेमिंग चैनल, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है, नितेश स्किप कर रहे हैं, करेक्ट आंसर इज ए स्टीप स्लोप, ठीक है, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टेंथ, हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट, भारत को अर्ध संघीय राज्य के रूप में किसने वर्णित किया? ऑप्शन ए हैरोल्ड लासिक, ऑप्शन बी केसी वियर, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, या ऑप्शन डी लॉर्ड बायर? क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वासी फेडरल स्टेट भारत को किसने डिस्क्राइब किया था? तो टेंथ का प्रीतम मिश्रा, ब्रजेश, प्रिंस, मोनिका, मोनिका ऑस्टिन ने नहीं, करेक्ट आंसर इज केसी वेयर, ठीक है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, गैस थर्मोमीटर आर मच मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर एज द गैसेस, ऑस्टिन नहीं होगा उसका,
गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में गैसों के रूप में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि, बताइए 11th। तो 11th का फिरोजा अफरोज और रजत सिन्हा का आंसर सही था, और बस दो ही बच्चों ने सही आंसर दिया था। नहीं, आंसर इज सी, हैव लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, और प्रिंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और न्यू मूवीज आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट। 12th, व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, सफेद फॉस्फोरस निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जमा होते हैं, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी कोकोनट ऑयल, ऑप्शन सी केरोसिन ऑयल या ऑप्शन डी पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे सभी आधे बच्चे केरोसिन ऑयल कह रहे हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वाटर। ठीक है, तो सौमित्र कुमार आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अभिषेक, प्रीतम, डीके, रविंद्र, पांड्यार, सभी का जवाब बिल्कुल ठीक, वाटर इज करेक्ट। प्रिंस आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, दिस इज, निम्नलिखित में से एक जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता, वो कौन सा है, ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी प्लास्मोडियम, ऑप्शन सी पैरामीशियम या ऑप्शन डी लिशमेनिया। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13th का जो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो सुरेंद्र का आंसर बी बिल्कुल ठीक है, प्रिंस का भी बी बिल्कुल ठीक है, प्लास्मोडियम, ये मल्टीपल से करते हैं। ठीक है, तो प्लास्मोडियम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड फॉरेन अफेयर, निम्नलिखित में से कौन समारोह और विदेशी मामले का मास्टर था, ऑप्शन ए सुरनावीस, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी पंडित राव या ऑप्शन डी सुमंत। क्वेश्चन नंबर 14, और सभी बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो न्यू मूवीज का आंसर सबसे पहले आया है डी सुमंत, और बच्चे आंसर दो न्यू मूवीज के अलावा। तो न्यू मूवीज आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सुमंत इज करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रीतम मिश्रा आपका भी सही है, अभिषेक कटिया, रवि, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, फिरोज अफरोजा, सभी ने बिल्कुल सही दिया है, सुमंत। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम विच मुगल एम्परर ब्रिटिश ऑब्टेन द परमिशन टू क्वाइन मुगल मनी एट द बॉम्बे मिंट, किस मुगल सम्राट से अंग्रेजों ने बॉम्बे टकसाल में मुगल मुद्रा को गढ़ने की अनुमति प्राप्त की, ऑप्शन ए आलमगीर सेकेंड, ऑप्शन बी फारूक शियार, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 15, कामेश एंड प्रिंस आप दोनों का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सबका आंसर आ गया फारूक शियार, एंड आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, फारूक शियार इज करेक्ट। अभिषेक तुम्हारा आंसर गलत है, अजय कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही है, फारूक शियार, फारूक शियार इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटेस्ट मोनिका फर्नांडीज आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, कश्यप सचिन आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, फारूक शियार इज करेक्ट। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ आइसोलेशन इज रिसीव्ड बाय विच प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस, सबसे अधिक मात्रा में आइसोलेशन पृथ्वी की सतह के किस स्थान को प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डेजर्ट, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ऑप्शन डी सवाना रीजन। क्वेश्चन नंबर 16, आलोक, क्योंकि आप लोग इवनिंग में दूसरी क्लास में बिजी रहते हो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो रात को ही क्लास ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल आंसर इज ट्रॉपिकल डेजर्ट, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है,
ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी प्रियम्बल, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट या ऑप्शन डी सिंगल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17th का सभी का जवाब आ रहा है, हर्ष का, हर्षिल का, गौरव का, प्रिंस का, अभिषेक, नितेश, फिरोजा, फिरोज, मोनिका फर्नांडिस, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द क्रीम गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क व्हेन मिल्क इज क्रंच्ड विग्रेसली ड्यू टू विच फोर्स। दूध को जोर से मथने पर क्रीम दूध से अलग हो जाती है किस बल के कारण? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन बी सेंट्रीपेटल या ऑप्शन डी फ्रिक्शनल। क्वेश्चन नंबर 18, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से। इस बात की चिंता मत करो कि शेयर करेंगे तो कौन जगह होगा, कौन आएगा, सभी जगह रहते हैं और सभी आ भी जाओगे। बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बी इज करेक्ट, सी नहीं होगा हर्ष। और मिस, एक मिस ने, मिस डोरेमी, सी नहीं होगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीपिटल नहीं होता। रवि, रविंद्र पांड्या, आपका भी आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द एलिमेंट हुज एलोट्रॉपिक फॉर्म इज बक मिनिस्टर फ्लोरेस। उस तत्व का नाम बताइए जिसका एलोट्रॉपिक रूप बक मिनिस्टर फ्लोरेस है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, पिंटू बोरी, मोनिका का आंसर सबसे पहले आया कॉपर, हर्ष का बी, नितेश का सी, नितेश एंड अजय आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, कार्बन इज करेक्ट। प्रिंस आपका भी आंसर ठीक है, जयंत त्रिपाठी आपका भी। 20, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन इज द वन विच कॉजेज द डिजीज नोन एज। वो सूक्ष्म जीव जो बहुविखंडन द्वारा जनन करता है वो रोग उत्पन्न करता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैरिस्मस, ऑप्शन बी कालाजार, ऑप्शन बी एमोबियोसिस या ऑप्शन डी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 20, 20, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन स्टैटिक जी के गौरव, आप सीधा सीधा ये समझो कि जैसे आपने बोला कि ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल आगरा में ही रहेगा, ये स्टैटिक जी के। ठीक है, बिल्कुल आंसर इज डी मलेरिया। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज थोराले मीनिंग द एल्डर बाजीराव। निम्नलिखित में से किसे थोराले के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ है एल्डर बाजीराव? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन बी माधव राव, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी बाजीराव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, और 21 का अभिषेक कटियार, न्यू मूवीज, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही आया है, आंसर इज बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट। हाँ प्रीतम आ तो रही है, खैर अभी मेरी हालत तुम लोगों जैसी हो गई है, जैसे बच्चों को पढ़ाई करते टाइम नींद आने लग जाती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बेवजह की नींद आ रही है, वैसे सोने जाऊंगी तो नींद आएगी नहीं। 22, तुम्हारे बातों के चक्कर में मैंने आंसर रिवील कर दिया। वैसे क्वेश्चन देख लो क्या है, बैटल ऑफ खानवा जो कि बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर याद रखना ये 1527 में हुआ था। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वतों के निर्माण का काल था? क्वेश्चन नंबर 23, और सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो जिसने नहीं किया है। 23rd, तो बिल्कुल सही जवाब है सभी का, ये तो सबको मालूम ही है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स आपके किस में आएंगे, टेरिटरी में। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर हाउ मच टाइम अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए। 24,
जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो कितने महीने के लिए मंत्री रह सकता है? बिल्कुल, सभी का सी, डी, सी और डी, तो डी इज करेक्ट, 6 महीने के लिए। ठीक है, कामेश, प्रकाश, करण, प्रीतम, अनुपम मिश्रा, अभिषेक कटियार, शशि राठौर, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण क्या होते हैं? ऑप्शन ए सोनोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, 25, फिरोजा फिरोज, तुमने मैसेज डिलीट किया, मैंने देख लिया, तुम्हारा आंसर गलत था। बिल्कुल सही जवाब है मोनिका फर्नांडिस का, आंसर इज ए सोनोमीटर। नितेश तिवारी, आपका भी आंसर ठीक है। अलेक्जेंडर, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। छुटकी, आपका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रिंस काजल भोसले, आपका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिरकोनियम या ऑप्शन डी आयरन। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का बिल्कुल सही जवाब है सभी का, डायमंड इज करेक्ट आंसर। ट्वेंटी सेवन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दिस इज, निम्नलिखित में से एक नवोदित द्वारा पुनरुत्पादित नहीं होता है, वो क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन डी स्पंज। प्रिंस, तुम्हारा नाम ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ, जिसका मुझे दिखता है उसका नाम ले लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, प्लेनेरिया इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द वुमेन नयानार सेंट, निम्नलिखित में से कौन महिला नयानार संतों में से एक थी? ऑप्शन ए करकले, ऑप्शन बी अनाया, ऑप्शन सी कनप्पा या ऑप्शन डी एरिपत। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 का न्यू मूवीज ने सबसे पहले आंसर दिया है, और न्यू मूवीज, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, करकले MARE इज करेक्ट आंसर। 29th, विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन ए मुगल पीरियड को, ऑप्शन बी नंदा को, ऑप्शन सी मौर्य को या ऑप्शन डी गुप्ता को। 29th, तो 29th का अभिषेक कटियार, सी हर्षिल का, मोनिका का मुगल, प्रीतम का सी, स्नेहा गुप्ता, पिंटू शाह गुप्ता, अजय कुमार, सभी का गुप्ता, एंड गुप्ता इज करेक्ट आंसर। 30, द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय माउंटेन टू प्लेस ड्यूरिंग द डैश, हिमालय पर्वत का निर्माण डैश के दौरान हुआ था, बताइए कब हुआ था? हर्सनियन के दौरान, प्री कैम्ब्रियन के दौरान, कैलेडोनियन के दौरान या फिर ट्रेट्रियक के दौरान, टर्शियरी के दौरान, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का भी सभी का डी बिल्कुल ठीक है, टर्शियरी ओरोगेनी। ठीक है, जितने भी आपके फोल्ड यंग माउंटेन है वो कब हुए थे? टर्शियरी ओरोगेनी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ मोनिका, आपने गुप्ता बोला था, मुझे वो पहले वाला आंसर दिख गया था। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का बिल्कुल 25 साल, ठीक है, लोकसभा का पता रहता तो आंसर दे देते, 25 ईयर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स, सोचो कितने यहाँ पे 25 साल वाले होंगे तुम लोग, और तुम लोग एलिजिबल हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। निम्नलिखित में से कौन फोटोन का कण प्रकृति का समर्थन करता है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन या ऑप्शन डी पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32, तो यहाँ पे अभिषेक अटियार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अनुपम मिश्रा का भी, एंड बी इज करेक्ट आंसर। प्रीतम किसी भी चीज का नहीं, फिलहाल करती नहीं हूँ, फिलहाल करवाती तैयारी। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में इथेनोइक अम्ल मिलाने पर निकलने वाली गैस का नाम बताइए। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे आंसर सभी का आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मोनिका, हर्षराज, हर्षल दीक्षित, रविंद्र, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। द डिजीज काला अजर इज कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज। काला अजर रोग एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है जिसे क्या कहा जाता है, लीच, प्लेनेरिया, लिशमेनिया या फिर प्लास्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 34, 34। मुझे लगता है मुझे टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब ठंड आ गई है, 11:30 बजे काफी लेट हो जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, लिशमेनिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिशमेनिया सही जवाब है। प्रिंस, पिंटू शाहू, मोनिका फर्नांडिस, अमित, तुम्हारा आंसर गलत है, अमित केडी, इश्मेनिया करेक्ट होगा। ड्यूरिंग विच सेंचुरी अ चेंज वॉज सीन वेन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक्सपेंडेड एंड लोकल मार्केट इमर्ज फॉर लोकल एक्सचेंज। किस शताब्दी के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार को स्थानीय बाजारों के स्थानीय विनिमय के लिए उभरने पर परिवर्तन देखा गया था, 9th सेंचुरी में, 11th में, 7th सेंचुरी में या फिर 8th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल 9th सेंचुरी। हाँ मुझे लग रहा है नहीं, 11:30 तो 10:30 करना चाहिए मुझे अब टाइम। हु गेव द सोब्रिक्यूट नाइट एंगल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू फॉर हर वर्क एज अ पोएट। प्रीतम तुमको नींद नहीं आता, तुमसे ज्यादा मुझे लगता है मुझे ही नींद आ रही है। सरोजिनी नायडू को कवि के रूप में उनके काम के लिए नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। मोनिका का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, अनुपम मिश्रा का भी रविंद्रनाथ टैगोर, हर्षराज का महात्मा गांधी। हर्ष आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, महात्मा गांधी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ठीक है, विच वन इज द लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट इन अर्थ सरफेस। प्रीत, जयंत त्रिपाठी आपका भी आंसर ठीक है, न्यू मूवीज आपका भी आंसर ठीक है। पृथ्वी की सतह पर अंतिम महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन महा महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन ए पेनोशिया, ऑप्शन बी प्लिशोनी, ऑप्शन सी पेनिगिया या ऑप्शन डी रोडनिया। क्वेश्चन नंबर 37, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज सी। अड़तीस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानदंड क्या है, लैंग्वेज, पॉपुलेशन एरिया या फिर पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 38, और सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है, 38, अच्छा टाइम चेंज नहीं करूं, ठीक है मैं टाइम चेंज नहीं करूंगी। ठीक है आओ तुम लोग 11:30 बजे ही आओ। 39, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ। अल्फा कण किसके परमाणु का केंद्रक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 का सभी का आंसर बी, कामेश, काजल, भोसले, पवन कुमार, भाभी, बापी, फिरोजा, हर्षिल, रेलवे बीस्ट, न्यू मूवीज, अनुपम, अभिषेक, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, हीलियम।
विनीगर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड या ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। नितेश मैंने बोला है ना, मैं जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा पीडीएफ शेयर कर दूं अभी? पीडीएफ तो मैंने शेयर किया हुआ था, चलो मैं दोबारा कर दूंगी। बिल्कुल आंसर इज ए एसिटिक एसिड। नितेश मैं कर दूंगी शेयर, समझ गई मैं, कल कर दूंगी पक्का। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज, नवोदित द्वारा जनन करने वाला एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी स्पायरोगायरा, ऑप्शन सी हाइड्रा या ऑप्शन डी प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 देखो, यहाँ जो कंफ्यूजन होता है वो ईस्ट और हाइड्रा को लेकर के ही होता है, ठीक है? और मैंने बताया था पास पास वाले को कपल बना लो तुम लोग, यू के करीब वाई है तो वाई आपका सही है आंसर होगा। यूनिसेलुलर के साथ आएगा ईस्ट और मल्टी सेलुलर के साथ आएगा आपका हाइड्रा, ठीक है? हाइड्रा, जिसने जिसने हाइड्रा जवाब दिया है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जब भी आपसे यूनिसेलुलर पूछे तो आंसर होगा ईस्ट, और जब आपसे मल्टी पूछे तो उसका आंसर होगा हाइड्रा, ठीक है? इसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हो। तो यू के पास आपके वाई है ना, तो हमेशा ये चीज याद रखना, यू के पास वाई आता है तो यूनिसेलुलर वाले में ईस्ट आंसर होगा और मल्टी सेलुलर वाले में हाइड्रा आंसर होगा। और 95% बच्चों ने हाइड्रा गलत आंसर दिया है। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ राइजिंग इकोनॉमी इन द अर्ली मेडिएवल पीरियड, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट माइट हैव बीन यूज्ड बाय मर्चेंट्स फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन? आप लोग इसका आंसर दो, मुझे पानी पीना है तो मैं पानी की बॉटल लेके आ जाऊं, मैं पानी की बॉटल लाना भूल गई। क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सही जवाब है, सी नहीं होगा इसका आंसर होगा बी हुंडी का, ठीक है? हुंडी का इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच किंग ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द लास्ट हिंदू एम्परर? भारत के किस राजा को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल सही आंसर इज ए पृथ्वीराज चौहान। 44th, इन विच ईयर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर? एल्फ्रेड वेगनर ने किस वर्ष में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत प्रस्तावित किया था? एक बार सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 44th, तो 44th का प्रीतम मिश्रा ने आंसर दिया है 1905, 44th का अभिषेक कटियार 1915, अभी सिंह फैमिली ब्लॉक्स आपका आंसर गलत है। जो 1915 वाले हो सभी गलत हो, करेक्ट आंसर इज सी 1912, 1912। और अनुपम मिश्रा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हर्षिल आपका भी। विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर इलेक्शन इन राज्यसभा? राज्यसभा में चुनाव के लिए किस प्रणाली को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेजोरिटी सिस्टम को, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, ऑप्शन सी मिक्स्ड सिस्टम को या फिर ऑप्शन डी रेफरेंडम को। क्वेश्चन नंबर 45,
सीके गौतम आपका भी 1912, अशोक कुमार, प्रीतम मिश्रा सभी का 1912 बिल्कुल सही है। ठीक है, किस सिस्टम को राज्यसभा के इलेक्शन में यूज किया जाता है? तो सभी ने बी आंसर दिया है, एंड बी इज करेक्ट आंसर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज करेक्ट। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? ऑप्शन ए साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन बी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी जीएम काउंटर, या ऑप्शन डी ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 का, प्रिंस का, प्रताप का, कामेश का, लक्ष्मण, मीना, गुड इवनिंग, फिरोजा, फिरोजा का, अभी सिंह, फैमिली व्लॉग, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी वाटर, या ऑप्शन डी एयर। और सारे बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो जिसने नहीं किया अभी तक। तो पिंटू, कोयला, बिल्कुल कोयला इज करेक्ट। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है आपका? कोयला है। क्वेश्चन नंबर 48, अ मल्टी सेलुलर, अभी अभी इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज, एक बहुकोशिकीय जीव जो नवोदित होकर जनन करता है वो क्या है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी लिशमेनिया, या ऑप्शन डी ईस्ट। तो सुरेंद्र, न्यू मूवीज, प्रीतम, डीके, मोहन, हर्ष, प्रताप, प्रीतम, अजय, मोनिका, लवकुश गुप्ता, जागर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रा। जब आपसे मल्टी पूछेगा, बस आप मल्टी का याद भी मत करो, आप यूनिसेलुलर जब पूछता है ना, तो यू के करीब आपका वाई है, तो यूनिसेलुलर में आप ईस्ट को याद रखो तो मल्टी अपने आप याद रहेगा। तो हाइड्रा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द इंडिपेंडेंट चीफ्स हु रूल्ड स्मॉल एरिया और रीजन इन असम वर कॉल्ड, असम में छोटे क्षेत्रों या क्षेत्र पर शासन करने वाले स्वतंत्र प्रमुखों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पीर, ऑप्शन बी भोयांस, ऑप्शन सी हरबीरत, या ऑप्शन डी जमींदार। 49, तो 49 बताइए, असम में जो स्मॉल एरिया या रीजन में जो रूल करते थे उनको क्या कहा जाता था? हाँ, कपल ट्रिक की है वो। बिल्कुल आंसर भुयांस कहा जाता था, हरबीरत नहीं कहा जाता था, भुयांस इज करेक्ट आंसर। और आदिल भट्ट आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, भुयांस। सुरेंद्र मेघवाल आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, भुयांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, नितेश तिवारी आपका भी सही है, जागर भाई आपका भी सही है, प्रकाश आपका भी सही है, अनुपम मिश्रा आपका भी सही है। विच ग्रेट पर्सनैलिटी हैड इस्टैब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 50, 50 का, मोहन, प्रिंस, फिरोजा, भाई की वीडियो देखो दोस्तों, भाई की वीडियो दिखाओ तो दोस्त, अभी तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बिल्कुल आंसर इज बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 51, द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिटोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन इज, लिटोस्ट्रेटिग्राफिक वर्गीकरण की मूल और मौलिक इकाई क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ओके छुटकी गुड नाइट, ऑप्शन बी मेंबर, ऑप्शन सी सुपर ग्रुप, या ऑप्शन डी फॉर्मेशन। देखो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ और आपकी इच्छा है आप उस दो ऑप्शंस में से क्या चूज करें। मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं 80+50, आई थिंक 80, 50, 130 होता है ना, 80 और 50 शायद मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। तो आप बताओ कि 80 पे समाप्त कर दूं या उस 50 को भी कंटिन्यू करना है। फॉर्मेशन इज करेक्ट, बहुत सारे बच्चे मेंबर बोल रहे हैं, मेंबर नहीं होगा, फॉर्मेशन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डेट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय 100? निम्नलिखित में से कौन कहता है कि मांग की राशि 100 के
कमी 100 किस से कम है? ऑप्शन ए टोकन कट मोशन, ऑप्शन बी बजट कट मोशन, ऑप्शन सी इकोनॉमी कट मोशन, या ऑप्शन डी पॉलिसी कट मोशन। 80 पे फिनिश कर दो, जल्दी जल्दी वोटिंग करो, 80+50 या 80 केवल। बिल्कुल आंसर सभी ने एकदम सही दिया है। मिस्टर प्रताप अभी छुट्टी पे चल रही थी मैं 1 हफ्ते से। टोकन कट मोशन इज करेक्ट। अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ डैश। एक तरल बूंद डैश के कारण गोलाकार आकार ग्रहण करती है। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी विस्कोसियस फोर्स, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 53। मोनिका क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तुमको आज। 80-50, 130। बिल्कुल सरफेस टेंशन इज करेक्ट आंसर ए। लक्ष्मण मैं डेली क्लास लेती हूँ लेकिन अभी मैं 1 हफ्ते से छुट्टी पे थी। ठीक है। अ फ्लेम कंटेन्स 3 पार्ट्स ब्लैक येलो एंड ब्लू, विच ऑफ दीज 3 इज द हॉटेस्ट। एक लौ में 3 भाग होते हैं, काला पीला और नीला। बहुत को तो पता ही नहीं होगा कि सच में 3 होते भी है। इन तीनों में से कौन सबसे गर्म होता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्लैक, या ऑप्शन डी नन। तो यहां पे सबका आंसर आ रहा है ब्लू, नन, येलो, ब्लैक। तो छोड़ ही क्या रहे हो तुम लोग, जब सारी ऑप्शन बोल दोगे तो आंसर इज ब्लू। ठीक है, नीले वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है, एक्सपीरियंस करके देखना। ठीक है, कौन सा ज्यादा गर्म होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। प्रीतम मैं अपने घर से ही पढ़ा रही हूँ, और सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। तो यहाँ पे येलो वाला नहीं होता लक्ष्मण, ब्लू वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है। यस आंसर इज हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं ये तो सबको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल 1 इज करेक्ट। 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड डिस्क्राइबिंग लॉस ऑफ स्नो फ्रॉम अ ग्लेशियर बाय मीन्स ऑफ सब्लिमेशन मेल्टिंग इवेपोरेशन ऑफ एंड एवलेंजेस। निम्न से कौन सा सही शब्द है जो उधर्पातन, पिघलने, वाष्पीकरण या हिमस्खलन के माध्यम से ग्लेशियर से बर्फ के नुकसान का वर्णन करता है? ऑप्शन ए क्रीप, ऑप्शन बी प्लकिंग, ऑप्शन सी एब्लेशन, या ऑप्शन डी गॉलिंग। मुझे तो ब्लू ही दिखता है नितेश, तुमको दूसरा दिखता है क्या? आंसर इज सी एब्लेशन। तारिके अल्फी हिस्ट्री ऑफ द मिलेनियम वॉज कमीशन बाय। तारिके अल्फी किसके द्वारा कमीशन किया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सी बाबर के द्वारा, या ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। टेलीग्राम का चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, तो सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके साथ ही साथ जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप मेरा रेफरल कोड वर्षा यूज करिएगा। ठीक है, VARSHA। वर्षा की स्पेलिंग तो मेरे हिसाब से सबको आती होगी। बिल्कुल आंसर इज अकबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? बिल्कुल आंसर इज ग्रेनाइट। सभी ने बी आंसर दिया है। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? मेरा तो गला ही 1-1.5 महीने से ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है 1.5 महीने से भी ज्यादा ही हो गया होगा। 59। गीत अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। आंसर इज ए 52।
60 इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए सेम रहेगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी घट जाएगा, या ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी का आंसर हाँ बढ़ जाएगा, इंक्रीज, बी इज करेक्ट। सभी ने बी इंक्रीज ही बोला है, इंक्रीज इज करेक्ट। कायरोलाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कायरोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए टिन का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी लीड का, या ऑप्शन डी सिल्वर का। 61 कायरोलाइट किसका ओर है, किस चीज का? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है एल्युमिनियम बी, और सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शशि, फिरोजा, डीके प्रताप, काजल भोसले, अनुपम, पवन, प्रताप, हर्षिल। मैं अपने घर से क्लास ले रही हूँ और कहाँ से क्लास लूंगी प्रीतम। अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन, अमोनिया किसमें मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जक पदार्थ है? ऑप्शन ए टर्टल में, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स में, ऑप्शन सी टैडपोल्स में, या ऑप्शन डी एम्फीबियन में। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ मैं ढूंढ रही थी फिलहाल कि गलत किसने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 62, जब सारे के सही आंसर आते हैं तो एक तो मिलना चाहिए ना जिसका गलत भी हो, तो सभी का जवाब यहाँ पे आ रहा है टैडपोल्स। ये क्लास मेरे घर से चल रही है और कहाँ से चलेगी? बिल्कुल एम्फीबियन नहीं होगा मोनिका, टैडपोल्स इज करेक्ट आंसर। प्रिंस तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है टैडपोल्स, विकास झा तुम्हारा भी आंसर ठीक है टैडपोल्स, अरमान आपका भी ठीक है टैडपोल्स। हाँ लक्ष्मण मेरी हेल्थ एकदम ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में अधिकतम मात्रा में पानी ले जाती है? ऑप्शन ए मिसिसिप, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी नाइल, या ऑप्शन डी अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 63, आपका ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? बिल्कुल नितेश तिवारी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ज्ञानेंद्र कुमार, नितेश, अनुपम सभी का आंसर ठीक है, अमेजोन इज करेक्ट आंसर। विच बहमनी सुल्तान वॉज कॉल्ड एज वाली और संता, किस बहमनी सुल्तान को वाली या संता कहा जाता था? अलाउद्दीन को, अहमद शाह को, फिरोज शाह को, या फिर अहमद शाह टू को। क्वेश्चन नंबर 64, और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना। तो 64 का आंसर सभी का, अभिषेक पासवान आंसर दो आप ठीक है। बिल्कुल अहमद शाह इज करेक्ट आंसर। वोल्केनोज विथ क्वाइट इरप्शन आर नोन एज, शांत उदार वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हवाई टाइप, ऑप्शन बी वल्केनियन टाइप, ऑप्शन सी प्लियन टाइप, या ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोलियन टाइप। क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का आंसर प्रवीण पतिदार का आंसर सी है, हर्षिल का, न्यू मूवीज का डी, सुरेंद्र मेघवाल का डी, एलेक्जेंडर हम्बोल्ट आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हवाई टाइप इज करेक्ट ठीक है, हवाई टाइप सबने डी 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 बोला है, करेक्ट आंसर इज ए। ऑन विच बेसिस द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, किस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते? थ्रेट टू इंटरनल पीस, आर्म्ड रिबेलियन, वॉर, या फिर एक्सटर्नल अटैक। इसमें से कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसके कारण राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है,
इंटरनल पीस के कारण, अगर आप ऐसा डर हो कि कुछ इंटरनल पीस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके कारण आपके इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की जा सकती। ए इज करेक्ट। द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 67। आर्म्ड रिबेलियन नहीं होगा विनम्रा शॉ, आर्म्ड रिबेलियन तो हो ही नहीं सकता इंटरनल थ्रेट के कारण। आंसर इज बी, रिफ्रेक्शन। तो बी सही जवाब है, रिफ्रेक्शन। वन मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स अ वॉल्यूम ऑफ, मानक तापमान और दबाव पर किसी भी गैस के एक मोल में डैश का आयतन होता है 2.24 लीटर का, 2.24 मिलीलीटर का, 22.4 लीटर का या फिर 22.4 मिलीलीटर का। क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 का आंसर 22.4 लीटर। प्रकाश का आंसर सबसे पहले और एकदम सही आया है, सी इज करेक्ट। नितेश, जयंत, लक्ष्मण सभी का आंसर सही है, कामेश का भी, छोटे सरकार स्टडी का, प्रवीण का, नितेश का, प्रताप का, मोनिका गलत है, आंसर 22.4 होगा। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रीकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ, कोलेस्ट्रॉल किसके संश्लेषण में अग्रदूत नहीं है? बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन डी या फिर इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 का इंसुलिन। अर्णव का आंसर ए बिल्कुल ठीक है। अनुपम आपका भी आंसर ए बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ यूरोप, निम्न में से कौन यूरोप का भूमिबंध देश नहीं है? चेक रिपब्लिक, स्पेन, हंगरी या फिर कोसोवो। इसमें से कौन सा यूरोप का लैंडलॉक कंट्री नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का विकास, मीना, शशि, गजेंद्र, सुरेंद्र, छोटे सरकार, हरी। तो बिल्कुल आंसर इज स्पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ अ दानिश सल्तनत इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दानिश सल्तनत का मुख्यालय था? कोचिन, नागापट्टिनम, ट्रैंक्यूबर या फिर सेरमपोर। क्वेश्चन नंबर 71। 71 तो सचिन वर्मा, न्यू मूवीज, अरविंद गेमिंग। अर्णव विश्वास, गुड नाइट मोनिका। मोनिका आप 9 क्वेश्चन बाकी है, 9 क्वेश्चन पूरा कर लो। आंसर बिल्कुल डी, सेरमपोर, डी इज करेक्ट। वहां पे नॉर्थ यूरोप की कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है ये पूछा था ना प्रकाश। नेम द फर्स्ट जियोग्राफर टू एसर्टेन द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई का पता लगाने वाले भूगोलवेत्ता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 72। अर्णव ने सबसे पहले आंसर दिया और अर्णव का आंसर बिल्कुल ठीक है, डी इज करेक्ट। 72 का डी। आदिल भट्ट आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कामेश आपका भी। द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य की आबादी के विभिन्न वर्गों की शांति और सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है? मणिपुर, आसाम, महाराष्ट्र या सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 का न्यू मूवीज का आंसर डी, छोटे सरकार का भी डी, प्रिंस का भी, नितेश का भी डी,
हरी राव का भी डी, एंड डी इज करेक्ट, सिक्किम। ए कार इज मूविंग ऑन अ सर्क्युलर पाथ एंड टेक्स अ टर्न इफ आर वन एंड आर टू बीट द रिएक्शन ऑफ द इनर एंड आउटर व्हील रिस्पेक्टिवली, देन। एक कार एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है और एक मोड़ लेती है, अगर आर वन तथा आर टू क्रमश आंतरिक और बाहरी पहियों पर प्रतिक्रिया हो तो क्या होगा? आर वन बड़ा होगा आर टू से, आर वन छोटा होगा आर टू से, आर वन छोटा या बराबर होगा आर टू के, या फिर आर वन बराबर होगा आर टू के। तो 74 का नितेश ने सबसे पहले आंसर दिया है, नितेश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आर वन छोटा होगा आर टू से, बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्वेश्चन नंबर 75, बस 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द यूरोप इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, ये क्वेश्चन था प्रकाश। तो 75 आंसर इज डी, क्लोरीन। देखो क्या क्वेश्चन है, यूरोप का कौन सा कंट्री लैंडलॉक कंट्री नहीं है, या फिर ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि कौन सा कंट्री यूरोप में नहीं है, तुमने क्वेश्चन को गलत समझा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एसोसिएटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76। कल पॉलिटी जियो, नहीं थर्सडे को होगा नितेश, पॉलिटी का और जियो का, क्योंकि थर्सडे को स्पेशल क्लास फेस्ट है तो उस दिन होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन डिटेल क्या बताना है? प्राइस आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 6500 का, आप जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करेंगे वर्षा VARSHA, आपको ही आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 5850 का, जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे कुछ एडिशनल फ्री मंथ मिलेंगे। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 7800 का, आफ्टर डिस्काउंट ही आपको पड़ेगा 7020 का। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आप मेरी क्लास नहीं देखेंगे, आप सारे टीचर की क्लास देखेंगे, सारे एजुकेटर की, सारे सब्जेक्ट की क्लास देख पाएंगे, आपको मॉक टेस्ट क्विज सभी चीजें मिलेंगी उसी में, ठीक है। बिल्कुल आंसर इज क्वेश्चन नंबर 76, आंसर इज ए, ठीक है। प्रकाश तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ा है, गलत समझा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन टू स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म? निम्नलिखित में से कौन भू आकृतियों के अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 77, जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सारे बच्चे लाइक और शेयर भी कर देना सेशन को। रविंद्र तुम ना अपनी 32 दिखाए भी 32 इतनी ज्यादा क्यों दिखा रहे हो? तो यहाँ पे बिल्कुल सभी का जवाब ठीक है, सी इज करेक्ट। ब्रोकन हार्ट जयंत, नितेश, डीके बापी, आदिल भट्ट, अर्णव विश्वास, सनी भार्गव, सभी ने सही आंसर दिया है, अरविंद गेमिंग ने भी, प्रीतम मिश्रा ने भी। हु सेड द फॉलोइंग आई कैन रियोन दियर रिसोर्सेज बाय लैंड बट आई कैन नॉट ड्राई अप द सी? 78। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मैं उनके संसाधनों को जमीन से बर्बाद कर सकता हूं लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता? जमान शाह ने, हैदर अली ने, निजाम ने, या फिर टीपू सुल्तान ने? क्वेश्चन नंबर 78। जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो 78 सभी का आंसर हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो जिसने टीपू सुल्तान बोला है वो तो गलत हो, यानी कि 90% बच्चे, और हर्षिल दीक्षित आप सही हो, और कोई सही है क्या? नहीं, और तो कोई सही नहीं है, आंसर इज बी, हर्षिल दीक्षित का आंसर केवल सही है।
ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? लंदन की भौगोलिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1830, 1872, 1820 या फिर 1935? जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड वर्षा यूज करना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, 1 या 2 साल का लेना, उसमें आपको फायदा होगा। और अनअकैडमी पे आप मुझे वर्षा सिंह के नाम से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम का चैनल है GA/GS/वर्षा सिंह, ठीक है? इससे भी जुड़ जाना, इस पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट, नोटिफिकेशन, PDF सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल आंसर इज 1830 A। अच्छा प्रीतम, तुम्हारा भी था, तुम्हारा मैंने देखा नहीं था। 1830 होगा, 72 नहीं होगा। बापी, आदिल एंड नितिन, ए इज करेक्ट नॉट बी। सिमरन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 1830। और ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन कराऊंगी। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन? मैं तो कराने को और करा सकती हूँ, 50 क्वेश्चन और है, लेकिन आप लोग मना कर रहे हो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 80, का प्रीतम मिश्रा का 164, अर्णव का 166, आदिल का 165। अनअकैडमी पे क्लास की टाइमिंग रहती है 4:55, और जो भी बच्चे अनअकैडमी पे पहली बार मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे उनसे कोड पूछा जाएगा, चाहे मेरी क्लास को ज्वाइन करो या किसी भी क्लास को ज्वाइन करो, इस कोड का यूज करना क्लास को अनलॉक करने के लिए, ठीक है? वो फ्री क्लासेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी, भोला चौधरी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 167 इज करेक्ट आंसर, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही है बच्चों। अगर आपको कुछ भी अप्रोप्रिएट लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है GA/GS/वर्षा सिंह, इससे सभी बच्चे जुड़ जाना। जब भी आप लोग अनअकैडमी का कोई से भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप मेरा कोड वर्षा यूज करना, ठीक है? फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा ही कोड यूज करना, इसमें धोखा मत देना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, लाइक और शेयर कर दो। PDF मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है? चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब सो जाओ, कल मिलेंगे 4:55 पे, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल सब टाइमली क्लास में आ जाना, और सब्सक्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ले लीजिए, देरी मत करिए, ठीक है? सौम्य भास्कर, अगर आप देखो आपके मेंस में तो आएगा ही नहीं, प्री में आता है, तो प्री में आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं। करंट भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक पे फोकस करो, ठीक है? आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो कुछ टाइम थोड़ा मेहनत करना पड़ता है प्री, मतलब फर्स्ट फेज क्लियर करने के लिए, जो आपके Tier 1 होता है उसमें ही आता है, Tier 2 में तो आता नहीं है ये। तो अगर Tier 1 में आपने अच्छे मार्क्स कवर कर लिए तो आपको उसका फायदा Tier 2 और आगे जाकर के फायदा ही होगा उसका। तो इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा आप इससे स्कोर कर सकते हो, तो इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कवर करने का, ठीक है? चलो बाय।